जब हम कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कुछ दिनों पहले कि 72,000 रुपए हर गरीब परिवार को कम सालाना कम से कम 72,000 रुपए मिलने चाहिए सरकार की तरफ से, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देश में पैसे ही नहीं है इसके लिए। अब आप मुझे बताइए, अगर बड़े 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 उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए इस सरकार के पास 317,000 करोड़ रुपए थे, 317,000 करोड़ रुपए, तो क्या गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देने के पैसे नहीं है? अब इनकी नीतियां देखिए, एक दिन सुबह उठे और ये सोचा कि नोटबंदी होनी चाहिए, नोटबंदी की, जनता को कह दिया कि तुम बड़ी बहुत बड़ी देशभक्ति कर रहे हो, लाइन में खड़े हो जाओ, अपने सारे पुराने नोट जमा करा दो, सारा काला धन वापस आएगा देश में। और जनता बेचारी ये सोचकर कि देशभक्ति कर रहे हैं हम, कि चलो इससे देश की भलाई होगी, आप खड़े हो गए कतार में घंटों के लिए। मुझे मालूम है रायबरेली की क्या स्थिति थी, कहां कहां से गांव-गांव से महिलाएं जा रही थी अपनी बचत लेके कि जब मैं इसको जमा कर दूं देश की भलाई होगी। क्या हुआ? कोई काला धन वापस नहीं आया इस देश में। हाँ, ये जरूर हुआ कि इन्होंने अपना काला धन बदलवा दिया, ये जरूर हुआ। और आजकल आज कुछ सालों बाद ये असलियत सारी बाहर आ रही है। किसान के प्रति इनकी नीतियों को देखिए, किसान के प्रति नीतियों को देखिए, किसान के कर्ज माफ करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जैसे ही हमारी सरकारें आई 10 दिनों के अंदर अंदर वो काम शुरू हो गया। तो इनकी नीतियां जो है जन विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, गरीबों के विरोधी है, और महिलाओं के बारे में तो आप पूछे ही मत। जितनी असुरक्षित आज महिला है इस देश में उतनी कभी नहीं हुई। आप सब यहाँ बैठी हैं, मुझसे ज्यादा आप जानती हैं कि आपको क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या किया है आपके लिए। एक उज्ज्वला स्कीम दी, उसमें आपको एक गैस का सिलेंडर मिला, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई और सिलेंडर मिला आपको, आपको बंद करना पड़ा वो चूल्हा। तो एक तरफ इनकी ये नीतियां हैं, दूसरी तरफ इनकी नीयत खराब है। कांग्रेस पार्टी की नीतियां आप देखिए, हमने एक घोषणा पत्र बनाया, हम चुनाव में आपके सामने आते हैं तो हम बात करना चाहते हैं आपके विकास की, हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए क्या करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं अपने घोषणा पत्र में कि अगर नौजवान अपना बिजनेस चलाना चाहे तो हम उसके लिए बहुत आसान कर देंगे, कि 3 सालों के लिए उसे कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, उस पर बड़ी बड़ी टैक्स नहीं लगेगी। हम कह रहे हैं कि जो मनरेगा हमने शुरू किया जिसको इन्होंने ठप किया है, जो 100 दिन का मनरेगा था हम कह रहे हैं हम उसको 150 दिन का बनाएंगे। आपने देखा है कि मनरेगा को इन्होंने क्या किया, ऊपर ऊपर से बढ़िया प्रचार कि हम मनरेगा में खूब सारे पैसे डालेंगे, अंदर से क्या किया? आज तमाम गांवों में मनरेगा के जो काम है जिनसे आपको रोजगार मिलने चाहिए वो ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं और जेसीबी से किए जा रहे हैं, उसमें मजदूरी के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने। आज मनरेगा के मजदूरों को 6-6 महीने ठहरना पड़ता है पैसे मिलने के लिए, ये पहले स्थिति नहीं थी। तो कांग्रेस पार्टी ये घोषणा कर रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी 100 दिन से 150 दिन का मनरेगा होगा और मनरेगा को मजबूत बनाया जाएगा। एक और घोषणा की है हमने 72,000 रुपए वाली, कि हर गरीब परिवार को हर साल 72,000 रुपए मिलने चाहिए ताकि कोई इतना गरीब न रहे
कि एकदम संकट में रहे। और सर हम कह रहे हैं कि सरकार का धर्म है कि आप गरीबों की मदद करें। फिर हमारे घोषणा पत्र में हमने ये भी बोला है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज मुफ्त में होगा। हम ये भी कह रहे हैं कि 12वीं तक सरकारी पाठशालाओं में 12वीं तक पढ़ाई मुफ्त होगी। तो ये सब बातें हम आके कहते हैं आपको, और हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने करके भी दिखाया है। हमारा ये रिकॉर्ड नहीं है कि हम आपके सामने प्रचार करें और फिर घर जाके बैठ जाएं और कुछ काम ना हो, लेकिन इन्होंने यही दिखाया। जो भी आपको कहा, जो 15 लाख की इन्होंने घोषणा की थी 5 साल पहले, पूरे चुनाव में इन्होंने घोषणा की थी, यहाँ अमेठी में भी की थी। और जब उन्होंने ये घोषणा की तो सबको लगा कि हमें मिलेंगे 15 लाख रुपए। फिर क्या हुआ, इन्हीं के अध्यक्ष ने, भाजपा के अध्यक्ष ने कुछ महीनों बाद, उस 2014 के चुनाव के कुछ महीनों बाद बोला कि ये तो कुछ चुनावी जुमला था, ये तो हमने ऐसे ही कहा था। तो देखिए, आप में बहुत ज्यादा विवेक है। हर बार मैं आपके सामने आती हूँ, आपसे दिल की बात ही करती हूँ। आप परिवार समान है, मुझे तो भाषण देना पसंद ही नहीं है आपको। मुझे लगता है कि जो भी मैंने सीखा है, मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ, राजनीति के बारे में, देश के बारे में जितना भी सीखा है, सबसे ज्यादा मैंने रायबरेली और अमेठी के लोगों से सीखा। और इसमें सबसे बड़ी बात मैंने ये सीखी है कि जब जनता के सामने आए तो सच्चाई के साथ आए, सच बोले, जो काम नहीं हो पाएगा ना बोले, जो काम कर सकते हैं उसका प्रचार करें। तो ये राजनीति मैंने अपने माता पिता से सीखी, अपने बड़े भाई से सीखी, इंदिरा जी की जीवन से सीखी, नेहरू जी के जीवन से सीखी और आप सब से सीखी। तो आज भी अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ, चुनाव का समय है, तो मैं वोट मांगने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपको कुछ बातें कहने के लिए आई हूँ जो मेरे दिल में है। और ये बात है कि आज जो देश के सामने जो चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा चुनाव है। इसमें हम सिर्फ अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के बारे में नहीं सोच सकते, इसके बारे में तो सोचना है। और वो मिसाल आपके सामने है कि आपकी सांसद आपके लिए काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस चुनाव में हमें कुछ ज्यादा आगे सोचना पड़ेगा कि देश के भविष्य को क्या होने जा रहा है। एक ऐसी सरकार आई है पहली बार जिसने हमारे संविधान पर उंगली उठाई, जो संविधान को तोड़ना चाहती है, जो इस देश को तोड़ना चाहती है, जो जनता को आगे बढ़ाने के बजाय अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि हमारा लोकतंत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, लोकतंत्र का मतलब क्या है। लोकतंत्र मतलब कि ऐसा देश जिसमें सत्ता, मजबूती, शक्ति जनता की होती है। इसका मतलब है अगर जनता नाराज है तो उसको, उस नाराजगी को व्यक्त करने का अधिकार भी जनता का है।